नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं दिवाकर रावत आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत गोल्ड सिटी लखनऊ से आ रही श्री श्री राधा रमन बिहारी इस्कॉन मंदिर में जेएनआई न्यूज की बड़ी कवरेज। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनने जा रहा। इस मंदिर में क्या है लागत, कितना दिन लगेगा, इस मंदिर के निर्माण होने में जिस पर खास बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता कुलदीप वर्मा जी ने आज इस्कॉन मंदिर के मठाधीश से बात करते हुए जानकारी ली। आखिर मठाधीश से क्या बातचीत हुई, आइए देखते हैं कुलदीप वर्मा की एक खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह वर्मा, आप देख रहे हैं जेएनआई चैनल। इस वक्त मैं लखनऊ अंचल गोल्ड सिटी में उपस्थित हूँ, यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे किस तरह से फूल और मालाओं का, किस तरह से बगीचा यहाँ पे धर्म स्थल पे किया गया है, और यहाँ से मन्नतें पूरी होती हैं उनकी जो राधा मंदिर है। और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई, और यहाँ पे भंडारा भी चलाया जाता है, पर डे का जो पर डे भंडारा यहाँ पे चलता है। और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था है, और यहाँ पे जो सारे फूल लगे हुए हैं, और किस तरह से सारे और विकास भी हो रहा है मंदिर का। और हम मंदिर में आ चुके हैं और मंदिर आपको दर्शन कराना चाहते हैं, भी करा रहे हैं। गुरु जी के साथ में मैं हूँ इस्कॉन मंदिर में। अब गुरु जी से मैं जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है गुरु जी? मेरा नाम है भोक्ता रामदास, इस्कॉन लखनऊ वाइस प्रेसिडेंट। मैं 8 साल से यहाँ पे हूँ अभी। इसके पहले मैं जो है मेरी लाइफ अमेरिका में बिताया, मोर देन 20 ईयर्स। तो अभी मैं भगवान की सेवा में यहाँ लगा हुआ हूँ। और हम चाहते हैं कि देखिए, हमारी जो यहाँ एक से बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, श्री श्री राधा रमन बिहारी जी के हमारी मंदिर है, और यहाँ पे हर संडे संडे भी प्रोग्राम होता है, भंडारे होते हैं, कम से 1000-1500 लोग आते हैं। उसमें भागवत गीता का भगवान के प्रवचन होते हैं, भगवान की आरती होती है, और हम सबको इनवाइट करते हैं। हमारे लखनऊ में 3-4 हज़ार लाइफ मेम्बर हैं और सब लोग आते हैं। गुरु जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से आए हैं गुरु जी? हैदराबाद से आप आए हैं। तो आपको कैसा यहाँ पर क्या लगा कि मंदिर में, कि तब से 8 साल से आप यहाँ पे? हाँ, मैं एक्चुअली 8 साल से यहाँ पे हूँ, जो कि यहाँ पे सब जंगल थे, बहुत बड़े बड़े सांपे थे, बहुत डर लगता था, मगर भगवान के कृपा से हम लोग भगवान के लिए कार्य करें, आज बहुत अच्छा हो गया। हमारे को यूपी स्टेट में हमको ये मालूम हुआ कि जो हमारे के यहाँ के लोग हैं बहुत धार्मिक हैं, और भगवान के प्रति जो है बहुत श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। मंदिर कब तक है, जो निर्माण हो रहा, हमने देखा है कि कब तक निर्माण हो जाएगा मंदिर का? अब देखिए, लागत तो बहुत ही है, मगर अब जानते हैं कोरोना काल के वजह से जो है फंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो कम दो तीन साल लगेंगे, 3-4 साल लगने के लिए, क्योंकि पूरे यूपी में सबसे टॉप क्लास के भगवान जी के मंदिर बनेंगे और मार्बल से बनाए जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारे भारतवासी हैं, भगवान जी का मंदिर बने तो सब लोग आके उसमें अपना सहयोग दान करके आप लोग मंदिर बनाइए, ताकि उसका भागीदारी भगवान आप लोग को ज़रूर पुण्य देंगे। तो इस महंत जी, ये बताइए, इस मंदिर की योग्यता क्या है, यहाँ पे लोग आते हैं क्या? हाँ, योग्यता ये है कि देखिए, कृष्ण भगवान जी सबके मालिक हैं, और भगवान के शरण में जाने से ही हमारा उद्धार होता है। एवं जैसे हम क्लियरली एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जब हम इस संसार से हम जाते हैं, तो जब हम जाते हैं तो सभी लोग देखिए बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो हम लोग उसी को ही स्थापना कर रहे हैं कलयुग में,
केवल नाम ही आधार है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही आधार है और इसी के ऊपर हमारे प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में प्रचार करे हैं। महाराज जी ये बताइए कितने साल ये पुराना मंदिर है, कब से इसका न्यू 2000 ये जो है 2013 में इस मंदिर की स्थापना हुई है और अभी अभी ये मंदिर जो स्टार्ट होके हुआ कम से कम से 4-5 साल हो रहे हैं, 5-6 साल के अंदर यही बन रहे हैं मंदिर। होली पे क्या तैयारी चल रही है इस्कॉन मंदिर द्वारा? हाँ, होली पे जो है हमारे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का जो है जन्मदिन मनाए जाते हैं और होली पे बहुत ही अच्छा होता है। कम से हमारे लखनऊ से हजारों लोग आते हैं जो कि हम फूलों की होली करते हैं। मगर ये 2-3 साल कोरोना के वजह से जो है हम उसको नहीं कर सके, बाकी भगवान का जो प्रोग्राम है वो तो होता ही है कंटिन्यू, वो बंद नहीं होता है। और ये साल देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है, अगर जो क्लियर है तो फूलों की होली मनाई जाएंगी सबके साथ। क्या संदेश देना चाहते हैं आप देशवासियों को? हाँ, हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जो है सब लोग आइए मंदिर में और फूलों की होली मनाइए और उसके ऊपर देखिए आप लोग, बहुत आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग ज़रूर पधारिए। धन्यवाद गुरु जी आप विचार बताने के लिए मंदिर के बारे में। और मैं 17 से मंदिर का निर्माण हुआ और उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रचलित मंदिर है जिसका मंदिर जो राधा कृष्ण जी की है, बहुत प्रचलित है। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम किए जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं लखनऊ से। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह हूँ कैमरामैन PDR के साथ।